चिरंजीव रहो मेरे लाल, आज बड़ी खुशी का दिन है। कहिए राज तखत किस समय होगा, जरा बैठिए मैं आपके लिए खाने के लिए देर तक आती हूँ। बस बस माता जी, अब खाने पीने की क्षमा कीजिए और शिव जाने की आज्ञा दीजिए। नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हें आज निराहार नहीं जाने दूंगी। आज मेरे बेटे का राज तिलक है, तुम बैठो, मैं देर बिल्कुल नहीं लगाऊंगी। माता जी, राज गद्दी की तो मुझे कोई खुशी नहीं, आज पिताजी ने मुझ पर वह एक भक्ति है जिससे चक्करदार है। क्या वो राज्य से भी बढ़कर है? हाँ माता जी, मुझे 14 वर्षों का वनवास और भाई भरत को समस्त अयोध्या का चक्करदार भरत को अयोध्या का राज और तुम्हें 14 वर्ष का वनवास, कैसी अशुभ बातें कर रहे हो? तुमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो तुम्हें 14 वर्ष का वनवास हो गया? माता जी, इसमें किसी का कोई कुछ होता नहीं। माता कैकेयी ने पिताजी से प्रतिज्ञा करवाई, अब मैं उनके वचनों की पालना करने के लिए 14 वर्षों में वनवास काटने जा रहा हूँ। बेटा, मुझे इस बात का कोई गम नहीं है कि भरत को राज तिलक मेरे लिए तो भरत और तुम दोनों एक समान हो गए। पर मैं अपने दिल को अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं तुम्हें आंखों से दूर करके कैसे जिंदा रहूँ। माता जी, इसमें घबराने की क्या बात है, जब ये दिन ना रहे दिन वो भी हरगिज ना रहेंगे। तो बेटा, मैं तो जैसे कैसे सीने पर पत्थर रख लूंगी, मगर पराई बेटी को मैं कैसे समझाऊंगी? दासी, जरा जन्म दुलारी को बुलाना। आइए माता जी, आप यहाँ बैठो। क्या बताऊं, कैसे बताऊं, वो पत्थर दिल कहां से लाऊं? बेटा राम तुम्हें स्वयं ही बतला देंगे। माता जी क्या कह रहे हैं? क्या दासी से कोई अपराध हो गया है? नहीं नहीं प्रिय, तुम पर तो सबकी नजरे शायद हैं। तो रंजित पाता हो ये भी बता दीजिए। मैं पिताजी की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए उन्हें वनवास काटने जा रहा हूँ। सबने इजाजत दे दी, मैं तुमसे इजाजत चाहता हूँ। पिताजी की आज्ञा का पालन कीजिए, इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं, मगर दासी को भी साथ जाने की आज्ञा दीजिए। जब आपका प्रेम में काम होगा तो मेरा अयोध्या में क्या नाम होगा? आपको बनवास है तो मुझे भी बनवास है।
मेरे नहीं सभी क्या क्या प्रिय वहाँ तुम्हें जंगली जानवर आएंगे उससे हम अपना दिल कहलाएंगे। मैं पहले से
के ये होना है और अपनी किस्मत पर लोना है। अपनी तबीयत अच्छा करें। जहाँ जहाँ आपका निवास होगा वहाँ लक्ष्मण आपके साथ।
हाथ होगा भाई, वहां वहां इलेक्शन आपके साथ होगा भाई। ना चल सन लक्ष्मण, ना चल सन लक्ष्मण, समझाता हूँ तुझ प्यार से, कब रहेगा यूं बिछड़ के, कब रहेगा मुझको मेरे भैया, मुझको मेरे भैया, जुदाई ना चलकर है, कहेगा बिन तुम्हारे चरणों की सेवा करूंगा, जो काम आप करेंगे।
वैसा ही करूंगा जब आप राम देव विश्राम करेंगे, मैं आपकी वहां खड़े होकर रक्षा करूंगा। जब आपको भूख लगेगी मैं वहां से आपके लिए कंदमूल लाएगा। जब आपको प्यास लगेगी तो मैं नदियां दरिया ढूंढ कर आपके लिए जल लाऊंगा। खाता जी, आप जैसा कार्य करेंगे मैं वैसा ही उसी वक्त करूंगा। परंतु भैया, मुझे अयोध्या में मत रहने दीजिए। अगर मैं अयोध्या में रहा तो लक्ष्मण का जीवन संभव नहीं। नहीं, नहीं लक्ष्मण का जीवन तुम्हारे जैसा चाहिए क्योंकि किस्मत वाले को होता है। तुम मुझसे इतना ही प्यार करते हो तो चलो मन को करते हैं। प्रभु श्री राम के रूप में आपके साथ